अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर सफर में कोई ना कोई सीन ऐसा जरूर होता है जो आपको हमेशा याद रह जाता है, और उस सीन की वजह से आपको वो सफर भी हमेशा याद रहता है, भले ही वो सीन कोई मामूली सा हो। तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग भी थोड़ा बहुत इस सीन को जान गए होंगे कि मेरे साथ आज के इस वीडियो में क्या सीन हुआ था। तो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इंतजार कर रहा हूं आज की 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का, जिसमें मैं सफर करूंगा रोड़ी से लेकर कराची तक। वैसे तो 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का सुबह तकरीबन 9:15 का टाइम है रोड़ी जंक्शन का, लेकिन आज ट्रेन काफ़ी लेट है और इस वक्त तकरीबन 2:15 हो रहे हैं और ट्रेन अब तक नहीं आई है। तो इस जर्नी का व्लॉग भी जल्द ही आएगा, लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब मैंने फरीद एक्सप्रेस की वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में रात के अंधेरे की वजह से मैंने ट्रेन का रोड़ी अराइवल कैप्चर नहीं किया था और उस टाइम मैं सो भी रहा था, जिसके बाद कुछ कमेंट्स आए मेरे पास उस वीडियो में कि रोड़ी जंक्शन पर ट्रेन की वीडियो देखनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को अलग से बना लेते हैं और फिर व्लॉग को बाद में देख लेंगे। तो मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी आ गई AGE 36009 के साथ। तो दोस्तों, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का तकरीबन 25 मिनट स्टॉप है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त एग्जैक्टली 25 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चले पहले ट्रेन का डिपार्चर देख लेते हैं और उसके बाद इस सीन की बात करते हैं जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। Thank you.
दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे कोच से आगे दो लगेज के कोच लगे हुए हैं और उसके आगे इंजन है, यानी कि मेरा कोच इस ट्रेन का पहला ही कोच है और बाकी की पूरी ट्रेन मेरे पीछे है। दोस्तों सीन कुछ ये हुआ कि रोड़ी जंक्शन से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ट्रेन के पीछे किसी कोच से चेन खींची गई, और हैरानगी की बात यह है कि चेन सिर्फ एक बार नहीं खींची गई बल्कि पहले ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया, और उसके थोड़ी देर बाद जब ट्रेन ने दोबारा चलना चाहा और दोबारा हल्के हल्के चेन चलना शुरू हुई तो उस दौरान दोबारा चेन खींची गई। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि तीसरी बार जब दोबारा ट्रेन चलना शुरू हुई तो एक बार दोबारा से चेन खींच दी गई, यानी कि लगातार तीन बार चेन खींची गई। और तीन बार चेन खींचने के बाद फाइनली चौथी बार में ट्रेन यहाँ से चली, और इस सीन के पीछे वजह क्या थी, पहले ट्रेन यहाँ से एक बार कम्प्लीटली डिपार्चर कर ले, मैं फिर आप लोगों को वो वजह भी बताता हूँ।
तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ट्रेन के चेन को बार बार खींचा गया रोहिणी जंक्शन से निकलने के बाद। तो अब आप लोगों के जहन में ये बात भी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि आप लोग जानते हैं कि जब कहीं पर भी ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर ज़्यादा देर के लिए रुकती है तो बहुत से लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, कुछ घूमने फिरने के लिए, और कुछ सिर्फ ऐसे ही उतर कर अपने खिड़की के सामने खड़े होने के लिए। तो इस बार सीन कुछ ये हुआ जो कि मुझे काफ़ी आगे जाकर पता लगा कि रोहिणी स्टेशन पर किसी फैमिली की एक छोटी बच्ची नीचे रह गई थी, जिसकी वजह से रोहिणी जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन की चेन खींची गई और ट्रेन तकरीबन 20-25 मिनट तक वहाँ पर खड़ी रही। और इन दी एंड ये भी पता लगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चे मिल गई थी और फिर उसके बाद ही ट्रेन वहाँ से चली। तो दोस्तों ये सीन देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन जिस फैमिली पर गुजरती है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं, लेकिन इसमें अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें कसूर भी उन लोगों का ही होता है। इसी के साथ ही दोस्तों रोहिणी से निकलने के बाद अवाम एक्सप्रेस अपना नेक्स्ट स्टॉप करती है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर भी एक भाई साहब ने चाहा है कि मैं यहाँ आकर यानी कि खैरपुर रेलवे स्टेशन पर आकर यहाँ पर रेल फैनिंग करूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी बहुत जल्द आकर रेल फैनिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल खैरपुर रेलवे स्टेशन को ट्रेन से देख लेते हैं और फिर जब यहाँ पर रेल फैनिंग करेंगे तो फिर इसकी डिटेल उस वक्त देखेंगे। तो दोस्तों खैरपुर रेलवे स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।